दीदी नहीं है गाइस, बोलो हे गाइस, बोल दो हे गाइस, नहीं बोलोगी। हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सोमवारी और साथ ही साथ आज है नागपंचमी। तो आज बहुत शुभ दिन है क्योंकि दो दो फेस्टिवल एक साथ है। एक तो सावन चल रहा ऑस्पिशियस दिन है और प्लस सोमवारी भी है और ये है सोने पे सुहागा, मतलब कि अगर आप फास्ट करते हैं आज तो आपको दो दो चीज का फल मिलता है। तो मैंने भी आज फास्ट रख लिया है और हम जा रहे हैं सुबह सुबह टेम्पल। मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि सुबह सुबह टेम्पल में बहुत भीड़ थी तो जाने में बड़ा तकलीफ हो रहा था, बहुत रश थी। तो फिलहाल थोड़ा लेट हो गया, तो हम सोच रहे हैं कि अभी हम जाएंगे तो शायद कम भीड़ हो। नहीं, अभी भी ज्यादा भीड़ होगी। अच्छा चलो देखते हैं। फिलहाल हमारे जैसे लोग होंगे और कुछ सोच के गए होंगे लेट से। ना वो बदमाशी नहीं करो बेटा। तो चलिए अब देखते हैं कि टेंपल में भीड़ है या कैसे करें पूजा। हमने तो बस प्लान बनाया है कि मैं और सकू बस जल चढ़ाएंगे भगवान जी को। अब देखिए नवु भी साथ जा रही है तो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक इंसान को हमेशा बच्चे पे लगे रहना है। हाँ बाबा जी हैं, बाबा जी जय कर दो बाबा जी को। कहाँ बाबा जी इसको देख गए। चलो बल तो हम मंदिर जा रहे हैं गाइस, हम वी आर गोइंग टू टेम्पल। पापा गोदी नहीं। ये सीरियसली मतलब इसको समझ ही में नहीं आता है। वैसे एक साल के बच्चे से मैं क्या उम्मीद कर रही हूँ, बट पूरे टाइम ऐसे ही गोद में बैठ के चलाना चाहती है और कहती है पापा ड्राइव करो मुझे बैठा के। कहते हैं कि अगर आप जल चढ़ाने जा रहे हैं तो जल हमेशा अपने घर से लेके जाइए चढ़ाने के लिए। तो हमने कार में जल रख लिया है और कार जैसे जैसे हिल रही है वैसे वैसे जल को छलकने का डर लग रहा है। तो बहुत कॉन्शियस होके गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है और मैं ऐसे पकड़ ले रही हूँ कभी अगर ब्रेक आ रहा है तो जल छलके नहीं। आओ आओ मेरी नवु को कभी पापा गोदी कभी मम्मा गोदी कभी पापा गोदी कभी मम्मा गोदी। सुबह सुबह मैंने बहुत ट्राई किया कि नवु कुछ खा ले पर नवु खाई नहीं। टेम्पल काफी छोटा है, काफी छोटा मतलब एक रूम का भी जगह नहीं है उसमें। मतलब एक छोटे सा वॉशरूम जितना बड़ा होता है उतना बड़ा है ये टेम्पल। बहुत छोटा सा टेम्पल है और बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं इसमें आके, तो इतनी भीड़ हो जाती है कि मतलब इतना ज्यादा पसीना हो गया था और नवु भी चिल्ला रही थी रो रही थी। तो हम जल्दी जल्दी पूजा करके बस आ गए शॉर्टकट में जाके। खाना भी खाना है ना आपको? नवु को खाना खाना है, नवु को नी नी करना है। गाड़ी में बैठते ही नवु बोली मामा दूदू। ये कॉमेडियन को देखिए,
ये हाफ डे का उपवास रखेगा और शाम को खाना खाएगा बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों, हाफ डे का लीव होता है कि नहीं ऑफिस वगैरह में? अच्छा ठीक है, हाफ भगवान पुण्य दे देंगे। सो गाइस, मिलिए मेरी बेटी से जो इतनी स्टाइलिस्ट है कि सो के भी चश्मा लगाई रहती है। हेलो गाइस, बोलो बोलो। हेलो गाइस, व्रत में पहली बार खाना खाने जा रही हूँ। गुड़ बादाम मेरे हाथ में है, मैं व्रत में खाने जा रही हूँ और उसमें भी नबू आके जूठा कर रही है। मेरा पानी भी मांग के पी रही है और मेरा खाना भी खा रही है। जूठा हो जाएगा, तुम अपना पियो बेटा, अपना पियो प्लीज़, अपना मम पी लो, लो मम्मा का मत पियो, जूठा हो जाएगा बेटा। तो पूरा बेड पे गिरा रही है, क्यों परेशान कर रही हो, खाओगी? मतलब आज के दिन भी मुझे जूठा खाना पड़ रहा है इस लड़की के चक्कर में, जो भी खा रही हूँ आके एकदम जूठा कर दे रही है। दिस इज मॉम्स लाइफ। लो अपने खा लो, जूठा है, मम्मा नहीं खाएगी।